हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभिजीत मिश्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह का बज रहे 9:27। सबको लग रहा होगा यार, ये छोटा वाला फ़ोन कैसे मेरे हाथ में आ गया। बाय द वे, ये लॉकडाउन ना, मतलब जितने सारे पहले का याददाश्त था वो सबको याद करा दिया। पुराना वाला ग्रॉस दूध है, वो जब सुबह से स्टार्ट होता है तो बहुत पुराने वाले फीलिंग्स आ जाते हैं यार। जब हम लोग स्कूटर में घूमते थे और हमारा राजदूत था उस पर घूम रहे थे उसी तरह का, तो अभी तो ये सब जवान आ गया। तो एक अंकल जी का है यहाँ पर राजदूत, को साउंड सुनने थोड़ा बहुत मज़ा आता है, बहुत सारा गुस्सा भी आ जाता है। तो अभी सुबह से स्टार्ट करने वाला हूँ आज 8 में एक्चुअली जो है कि मेरा ऑफिशियली बर्थडे है। तो सुबह से बहुत सारे, मतलब जैसे कि बैंक्स हो गया या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, वहाँ से सभी मतलब बर्थडे विशेस आ गया है। मतलब तो इसका तो आज सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं है कुछ भी, मतलब पूरा का पूरा नॉर्मल ही चल रहा है, क्योंकि घर पे तो सब लॉकडाउन चल रहा है। और हमारे यहाँ भुवनेश्वर पे अब लॉकडाउन की वजह से बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हम लोग तो कहीं बाहर ही नहीं जा सकते हैं। तकरीबन मैं तो लास्ट 30 या 29 को बाहर गया था, और उसके बाद में मैं बाहर ही नहीं निकला हूँ। गेट से बाहर तो वो भी जाता नहीं हूँ, बहुत ज़रूरत होता है तो बाहर जाता हूँ, नहीं तो नहीं, बस घर पे ही बैठे रहो, जो काम है करते रहो। तो अभी के अभी 9:30 बज रहे हैं, मैं अभी 10 मिनट पहले सो के उठा हूँ। सो के उठने के बाद मैं थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया हूँ। लेट्स सी, किसे देख रहा हूँ मैं, तो अभी का हालत मतलब बहुत ही बुरा हुआ है। मतलब मॉर्निंग से हम लोगों का क्या रहता है, ये तो जो हनी है, हनी के साथ में तुलसी का भी ड्रॉप्स है, इसको भी यूज़ किया जाता है, और उसके साथ में चिवन प्रेस। ये 3 चीज़ को नहीं पीते हो तो हमारे घर पे भाई रेस्ट्रिक्शन है। मम्मी बोलते हैं कि ये चीज़ को जो खाया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है, मैं और मेरा भाई है, तो दोनों लोग को बोला जाता है कि जब खाया नहीं है तो उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ब्रश करो, उसके बाद में ये खा लो, क्योंकि ब्रश के बगल पर ही ये वाला हम लोगों का रखा जाता है। तो ये हमारा जो एक नॉर्मली रूल्स है। मम्मी का यहाँ पर देख सकते हो कुछ, वो जिसे स्टीम लेते हैं ना, वो स्टीम लेने का प्रोसीजर अभी चालू है। तो अभी मतलब कुछ सब्जी बन रहा है या वाटर बॉइल्ड हो रहा है, उसमें से वो स्टीम ले रहे हैं। तो अभी जिस तरह का बता सकते हो कि ये क्या चीज़ बन रहा है, थोड़ा कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ है और आप लोगों को मालूम है कि नहीं। अभी निकाल लेते हैं कि क्या क्या बचा है आप लोगों का। ये सब्जी है और ये भी एक सब्जी है, इसमें थोड़ा दाल है, इसको थोड़ा खा लेते हैं। उसके साथ फिर मैंने इसका सस, ये मॉर्निंग से ज़रूरत है ही। ठंडा पानी को देख के बहुत याद आता है यार, इसका बहुत ही यूज़ होता था, अभी इसका कुछ यूज़ नहीं है, यूज़लेस हुआ है। बस इसको रखे हैं इसीलिए कभी कभार ज़रूरत हो सकती है। चलो मम्मी ने उसको भी ले लिए, अभी वो ठंडा पानी का जो बॉटल जहाँ पर रहता था वो भी हो गया खाली। तो अभी हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठंडा पानी को अभी बहुत ही मिस कर रहे हैं। लास्ट वाला समर वैसा ही कट गया, इस साल का समर भी वैसा ही कटने वाला है। तो चलो, और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जाम भी खा के दिन का शुरुआत करते हैं। चॉकलेट वॉकलेट तो कुछ है ही नहीं, और चॉकलेट भी ले लेते हैं आज जाके मार्केट से। मैं आज तो बाहर ही नहीं जा सकते, क्योंकि आज है सैटरडे, मतलब हम लोगों का यहाँ पर कम्प्लीट लॉकडाउन है। सैटरडे भी वही सेम है, देखते हैं फिर क्या होता है। चलो अभी खाने के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्या धूप है ये, बाप रे। शायद 12-13 दिन हो गया मैं यहीं से बाहर देखता रहा, कौन जा रहा है आ रहा है, उन लोग कोई तो जा ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे 2-3 ठो मतलब अंदर वाला जो रास्ता है, यहाँ पे सोसाइटी जो है उस पर जाने के लिए, उस पर भी कोई नहीं जाता है, पर नॉर्मली ऑलमोस्ट क्लोज्ड। तो अभी के टाइम बज रहे हैं 10:25, उल्टा या सीधा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा शायद, 10:25। मेरा नहाना धोना हो गया काम, अभी यहाँ से पिक करते हैं कि गाड़ी का की, जो जो गाड़ी का अभी स्टार्ट वार्ट करके थोड़ा बहुत देखना है हमको। हाउ इज़ द कंडीशन, वी हैव द 3 कीज ऑफ आवर 3 व्हीकल। दिन के बाद में नीचे आकर गाड़ी को देखने का मज़ा कुछ अलग ही रहता है। यहाँ पे ऑल व्हीकुलर पार्क, गाड़ी अभी निकलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यहीं पे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लो फिर उसको छोड़ दो वहीं पे, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से गाड़ियों का हालत ही ऐसा है, ज़्यादा घूमना फिरना है नहीं। क्योंकि हमारा जो 2 या अभी तो ये वाला नया आया है, ये पहले जो 2 थे ये तो कम से कम महीने में 4000 किलोमीटर तो घूमना फिरना हो जाता था, अभी वो सब कुछ नहीं। तबीयत ख़राब हो गया था कि मेरा सही से खड़े होकर बातचीत करना तो बहुत दूर की बात था मेरे से, तो कैमरा का बात तो छोड़िए दो, क्योंकि मैं हाथ में फ़ोन पकड़ के बात करने के लिए वो भी मेरा कैपेसिटी नहीं देता था, और हाथ बहुत ही दर्द कर रहा था, क्योंकि वो ऑल आर नो, जैसे कि मेरा जो शोल्डर का जो डिसलोकेट वाला प्रॉब्लम हुआ था वो फिर से थोड़ा बहुत चालू हो गया था लास्ट 6-7 दिन से। अभी एक्सरसाइज और फिर उसका जो ट्रीटमेंट वीटमेंट थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, अभी वो सही है। चलो अभी और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर नीचे में रहना भी सही नहीं है। मास्क वास्क पहन के आया हूँ, सैनिटाइजर लाने के लिए घूम गया, अगर कोई गाड़ी वाड़ी में टॉच किया होगा या कुछ होगा उसको लेकर बहुत ही अभी मतलब मैं कंसियस हो गया हूँ, क्योंकि कोरोना मेरा बगल पर निकल के गया है,
तो मेरे को मालूम है कि भाई क्या हालत होता है, बगल पे निकल गया मतलब अंदर तक पहुंचा नहीं, थैंक गॉड बच गया हूँ। चलो अभी इसका जो स्टार्ट बार्ट है उसको कर लेते हैं। डॉल ले हुआ है, थैंक गॉड बच गया, क्योंकि टीवीएस वाला गाड़ी तकरीबन 9 दिन से स्टार्ट हुआ भी नहीं, उसका की भी नीचे आया नहीं था, बस इसका ही आया था। अभिषेक जो है मेरा भाई जो है वो एक दो बार इसको लेकर बाहर गया है, मैं तो आ ही नहीं रहा था। लेट्स सी अभी इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो इसका काम हो गया, ये अभी तो स्टार्टिंग में हो गया, अभी इसको अभी किक स्टार्ट वाला वो थोड़ा मेरे को दिक्कत लगता है। मारते रहो लेकिन कब स्टार्ट होगा इंजन को पता होगा। ये मेरा फर्स्ट बाइक है और इस पे से 1.5 लाख किलोमीटर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 1,63,000 अब तक भी खराब है। 3 महीने पहले इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया था, 159,000 किलोमीटर में इसको कवर किया हूँ, उसी टाइम से मीटर ख़राब है, आज तक भी ख़राब है, उसको रिपेयर कहीं नहीं किए हैं हम लोग। पर इस गाड़ी का तब तक हो गया है शायद 7,000 किलोमीटर के आसपास इस पर हो गया है, नया वाला में देख सकते हो कि इस पर 7,500 हो गया है। ये भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, ये अभी थोड़ा रेस्ट ले रहा है क्योंकि अभी ग्रैंड पेरेंट हो गया है तभी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पर जब 3 गाड़ी ज़रूरत रहता है तो ये निकलता है, तो रेस्ट ही लेता रहता है। तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है मेरा आज तक ही। उन लोगों ने वो रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिए। और अभी पेट्रोल का रेट जैसे बढ़ता जा रहा है इसको तो यूज़ करने का मन ही नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं फिर इसका यूज़ करना अभी फिर से चालू हो जाएगा। तो स्कूटी का बात छोड़ दो, वो तो इतना पीता है ऐसे जो भी देखता है पूछता है भाई ये कितना देती है, वो स्कूटी को लेते हैं भाई इस पर कितना आता है, आप इसको लेके आते हैं, इसको जब लेके जाओ तो वो उनका तरफ से आता है, ये तो शायद 70 तो देती होगी, वो तो सेम ही है, ये ऑन एंड एवरेज अभी 70-75 तो आएगा, ये दोनों का तो छोड़ दो भाई 30-35 पे ही वो चलेगा। इसको लेके मतलब बीच बीच में सोचता हूँ क्या फ़ायदा है ये सब गाड़ी लेके, उससे बेहतर है कि भाई 100 cc का ले लो, पेट्रोल एक बार भरो 1000 किलोमीटर घूमो, इसमें सारा पेट्रोल भरो तो 450-450 फिर टैंक फिलअप करो बार बार तो जाना पड़े, 450-450 किलोमीटर तो हम लोगों के लिए मामूली ही बात है, छोटा सा बात है, 4-5 दिन में 400 किलोमीटर हम लोगों का कवर हो जाता है दोनों भाइयों का। तो एक एक गाड़ी लेके जाते हैं तो दो बार ही तो टैंक फिलअप करना पड़ता है, लेकिन भी जैसे तो काम है वो तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी दिन से तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहा है, वर्क फ्रॉम होम बस अभी इंटरनेट का उसे धुलाई कर रहे हैं, जैसे पहले पेट्रोल का धुलाई हो रहा था अभी वैसे ही सिर्फ इंटरनेट का धुलाई हो रहा है। मास्क पहन के बात करने के लिए बहुत ही मेरे को एंग्जाइटी फील होता है क्योंकि ये होता है स्टार्ट या नहीं। ये नहीं होगा, इसको जाना पड़ेगा लेके अपना हॉस्पिटल को खत्म करके, फिर वीडियो को एडिट करना है, वीडियो को एडिट करके फिर आपसे फिर वही 4:30 to 5 के अंदर पे टाइम सेट करके वो हर दिन ये वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत ही निगलेक्ट हो गया है, वीडियो अभी नहीं आ रहा है बोल के बहुत सारे लोगों का अच्छा वाला मैसेज और गंदा वाला गाली आता है फ़ोन पे, अच्छा वाला गाली वाला मैसेज आता है इनबॉक्स में, ये सारी चीज़ आता रहता है, तो मैं देख के बहुत भी शौक हो जाता हूँ यार वीडियो नहीं आता तो इतना वो इतना अच्छा वाला प्यार देते हैं, थैंक यू फॉर ऑल गाइस, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना अच्छे से मिल रहा है, पसीना में पूरा भीग गया अभी। चलो ठीक है अभी 2-3 मिनट के लिए इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसको लगा के फिर बात करते रहो वो टू मच इरिटेटिंग, उससे बेहतर है कि भाई आज तक वीडियो को जिन्होंने देख लिए हैं बहुत अच्छा है, एक लाइक वाला बटन है ऐसा थंब वाला उसको काइंडली क्लिक कर दीजिए, और नीचे में जो रेड वाला बटन दिख रहा है ना वो सब्सक्राइब वाला है, वो सब्सक्राइब वाला बटन को क्लिक कर दीजिए क्योंकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही आ जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट देने के लिए मत भूलिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे कि हम लोग वॉच कर रहे हैं और हम लोगों को भी मज़ा आ रहा है, तो हमारा दोस्त लोग और फैमिली लोग जो हैं वो भी देखेंगे वो भी मज़े करेंगे। अभी घर पर रहिए, मास्क यूज़ करिए और फैमिली लोगों का केयर लीजिए, वैक्सीन लेने के लिए
जितना जल्दी हो सके वैक्सीन ले लीजिए। वो मतलब एक साइड से मेंटली आप पीसफुल रह सकते हैं कि भाई चलो मैं वैक्सीन ले लिया तो अभी कोरोना का कोई चांसेस नहीं है। वो तो केयर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। फिर कल मिलेंगे वही सेम टाइम पे, फिर एक नया वाला ब्लॉग के साथ अभी आएगा। बस डेली ब्लॉग अपलोड ही होता रहेगा। स्टे ट्यून।